हेलो बीएल लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएल एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं चेरी ब्लॉसम आफ्टर विंटर के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करूंगा। सो अगर अभी तक आपने इससे पहले के एपिसोड को नहीं देखा है तो जाके उन्हें देख लीजिए, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम तेसांगू को देखते हैं जो कि अपने रूम में सो रहा होता है। तभी अब उसके रूम में हिबुम आता है और उसे कहता है जल्दी करो, हमें स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। लेकिन तेसांगू नहीं उठता। अब हिबुम उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन तेसांगू उसे अपने ऊपर खींच लेता है। हम देखते हैं कि हिबुम के दिल में बेचैनी होने लगती है, उसे कहीं ना कहीं उसके लिए फीलिंग्स आ रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हिबुम और तेसांगू की मॉम को दोनों वॉक करके घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं तेसांगू की मॉम हिबुम से पूछती है कि तुम्हारे आगे के प्लान्स क्या है, तुमने क्या करने का सोचा है। हिबुम बताता है तो अभी तो उसके दिमाग में सिर्फ कॉलेज जाने का ही ख्याल है और कुछ नहीं। फिर हिबुम तेसांगू की मॉम से पूछता है कि उन्होंने सिर्फ उसे ही क्यों अडॉप्ट किया, बाकी और किसी को क्यों नहीं। तो तेसांगू की मॉम बताती है कि जब तुम बचपन में छोटे थे तुम्हारी मॉम की डेथ होने ही वाली थी, उन्होंने मुझे तुम्हारे अडॉप्ट करने के लिए बोला था और तुम्हारा ध्यान रखने के लिए भी, और आगे से मुझसे ये बात मत पूछना। फिर ये दोनों घर की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तेसांगू की मॉम और हिबुम घर पहुंच जाते हैं। उनका वेट तेसांगू कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि तेसांगू हिबुम से कहता है कि अगली बार तुम बाहर जाओ तो मुझे भी बोलना। हिबुम कहता है ऐसा क्या। तेसांगू कहता है हाँ सच में। अब हिबुम उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तेसांगू कहता है कि वो आज अपने दोस्तों के साथ चिल करने जा रहा है। तो हिबुम इस पर हंसता है। तेसांगू से पूछता है कि तुम्हारे लिए कुछ लाना है। हिबुम कहता है जो तुम्हें अच्छा लगे, पर कोई टेस्टी सी चीज लेकर आना। हिबुम उसे कहता है अब तो तुम जाओ। तेसांगू कहता है ठीक है, अपना ध्यान रखना, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब तेसांगू अपने दोस्तों से मिलता है। ये लोग जाने ही लगते हैं तभी तेसांगू को याद आता है कि वो अपना वॉलेट तो घर पे भूल गया है। तभी वो हिबुम को फोन करता है। हम देखते हैं कि हिबुम यहीं घूम रहा होता है। तो तेसांगू से कहता है कि देखना कहीं मैं अपना वॉलेट घर पे तो नहीं भूल गया हूँ। हिबुम उसे चेक करता है और वो उसे कहता है हाँ तुम घर पे ही भूल गए हो। तेसांगू कहता है पर उसे छूना मत, उसे देखना भी मत। हिबुम ये सुनकर हैरान होता है। अब हम देखते हैं तेसांगू घर पर आता है, हिबुम उसी का वेट कर रहा होता है। अब तेसांगू हिबुम को केक गिफ्ट करता है और उससे पूछता है क्या तुमने मेरा वॉलेट चेक तो नहीं किया। हिबुम कहता है उसने छुआ तक भी नहीं। तो तेसांगू कहता है उसका ये मतलब नहीं था, और ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। अब वो अपना वॉलेट खोलता है तो हमें हिबुम के बचपन की फोटो मिलती है, और यहीं पर हमें पता चलता है कि तेसांगू हिबुम को बचपन से ही प्यार करता है, यानी उसे लाइक करता है, वो भी बहुत ज्यादा। तभी हिबुम उसके डोर पे नॉक करता है। तेसांगू डोर खोलता है और उसे हक कर लेता है, और यहाँ पे हिबुम उसे कहता है डिनर तैयार हो गया, अब हम चलते हैं। और ये सीन काफी रोमांटिक था गाइस। नेक्स्ट डे हम स्कूल में छुट्टी का टाइम देखते हैं। अब हिबुम और तेसांगू साथ में जाने ही लगते हैं कि उनके दोस्त उन्हें चिढ़ाते हुए कहते हैं कि आजकल तुम दोनों साथ में ज्यादा टाइम बिता रहे हो। हिबुम कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं तो साथ में ही तो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं तेसांगू को जो कि नहा रहा होता है। तभी हिबुम गलती से वॉशरूम में आ जाता है। अब ये सीन गाइस काफी ऑकवर्ड प्लस रोमांटिक होता है। दोनों की आंखें टकराती है। अब हिबुम यहाँ पे घबरा जाता है, वो जल्दी से बाहर की तरफ भागता है। अब वो सोचता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, वो आजकल तेसांगू के साथ ज्यादा ही कंफर्टेबल फील कर रहा है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं स्कूल में, आज तेसांगू का बर्थडे होता है। अब हिबुम उससे पूछता है कि तुम्हें अपने बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए। तेसांगू कहता है क्या सच में। हिबुम कहता है हाँ सच में, बोलो क्या चाहिए। तेसांगू कहता है मुझे तुम चाहिए। अब हिबुम घर आकर यही सोचता है कि तेसांगू ने ऐसा क्यों कहा होगा। वो यही सोच रहा होता है क्या सच में उसे मुझे मांगा है, उसे यकीन नहीं आ रहा होता है। तभी हिबुम को तेसांगू का मैसेज आता है, वो उसे कहता है कि जल्दी नीचे आओ, मैं अपने सरप्राइज के बारे में तुम्हें बताऊंगा। अब हम देखते हैं हिबुम और तेसांगू को साथ में। हिबुम तेसांगू से पूछता है कि क्या चाहिए, तुम्हें जल्दी बताओ ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम क्या चाहते हो। तेसांगू कहता है क्या तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो मेरे बर्थडे के लिए। हिबुम कहता है क्योंकि वो तुम्हारा बर्थडे है। अब तेसांगू से कहता है तो मेरी ये विश है कि हम दोनों आज साथ में ड्रिंक करें। अब हिबुम कहता है क्या सच में। इसके बाद हम इन दोनों को साथ में ड्रिंक करते हुए देखते हैं। अब हिबुम पूछता है क्या तुम ये हमेशा से करते हो। तेसांगू कहता है नहीं, ये मेरा भी पहली बार है जो मैं आज तुम्हारे साथ ड्रिंक कर रहा हूँ, और मुझे काफ़ी खुशी है। फिर दोनों ड्रिंक करते हैं और ये दोनों काफ़ी देर तक काफ़ी इंजॉय करते हैं। अब हम देखते हैं कि नशा होने लगता है। अब हिबुम अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहा होता है और रो रहा होता है। इस पे तेसांगू से पूछता है चुप हो जाओ मत रो। हिबुम कहता है कि सब मुझे छोड़ के चले गए, पर तुम मुझे छोड़ के मत जाना। अब यहाँ पर तेसांगू उसे किस कर लेता है, और ये सीन काफ़ी रोमांटिक होता है। इसके बाद हिबुम उसे फिर कहता है तुम मुझे छोड़ के तो मत जाना, प्लीज़ ऐसा मत करना।
ये सांगू कहता है वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, और ये दोनों फिर एक दूसरे को किस कर लेते हैं। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाकी की पुरानी एपिसोड्स को सुनो, देखो और मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।